उन तहसील के गांव जिचोला में विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन गन्ना समिति के पूर्व डायरेक्टर व समाजसेवी सरदार नवाब सिंह चौसाना ने किया। उद्घाटन मैच में सोहजनी ने अम्बेटा की टीम को 42 रन से हराया। गांव जिचोला में आयोजित विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन समाजसेवी पूर्व गन्ना समिति उनके डायरेक्टर सरदार नवाब सिंह चौसाना ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय लिया, कहा कि खेलों से मानसिक और शारीरिक विकास होता है। गांव स्तर से प्रतियोगिता शुरू कर खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच गांव सोहजनी व अम्बेटा की टीम के बीच हुआ, जिसमें अम्बेटा की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की। सोहजनी की टीम ने पहले खेलते हुए 95 रन बनाए, जिसमें बता दें कि जवाब में अम्बेटा की टीम ने 53 रन ही बना सकी। सोहजनी की टीम ने 42 रन से मैच जीत लिया। वहीं आदिल ने लगातार 3 क्रिकेट लेकर हैट्रिक जमाई। आदिल को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दिया गया। टूर्नामेंट 22 जनवरी तक चलेगा। वहीं इस आयोजन में पूर्व प्रधान हसन गुलाबहार, इश्कार राणा, वहीं आसिफ जावेद, इकराम सोएब आदि लोग मौजूद रहे। प्राइम बेकर न्यूज चैनल के लिए राजवीर चौधरी के साथ अकबर राणा की खास रिपोर्ट। मेरा नाम नवाब सिंह, गांव सुंदरनगर चौसाना। आज यहां पे क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले तो मैं इस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इसमें गुलबार राणा हैं और डॉक्टर इस्तकार हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये ऐसी चीज़ें मैं चाहता हूं क्षेत्र में आए और इससे बच्चों का उत्साह बढ़े। मेन बच्चे नशे से दूर जाएं और इस कार्यक्रम में जैसे ये हुआ, क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, कुश्ती हुई, दंगल जैसे कई आयोजन ऐसे लोग बच्चे आगे बढ़ के करेंगे। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये ऐसे प्रोग्राम करें और एरिए में हमारा जो नशा मुक्त थोड़ा सा वो हो, बच्चों को सही मैसेज जाए, इसके लिए मैं इस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसमें हमारे गांव के प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी जाहिद भी हैं, पूर्व हसन प्रधान जी भी हैं, ये सारे मतलब सब प्रधान मिलके इसको आयोजन किया हुआ है इसका, और बच्चों का उत्साह बढ़ाने में बहुत अच्छा काम किया है। ये 22 तारीख तक है इसका। टीमें कम से कम भी 30-35 गांव की टीमें आ रही हैं। फिलहाल सोहजनी, शामली, शामला, चौसाना, अम्बेटा ये आज आई हुई हैं। रोज का जैसे आयोजन होगा वैसे वैसे टीमें बढ़ती रहेंगी इसमें। प्रधान जी को